दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 को लेकर यहाँ पर 24 मार्च को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो होने वाली है। सभी फ्रेंचाइज ओनर साथ ही साथ BCCI के ऑफिशियल जो हैं इस मीटिंग में शामिल होंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउट्स बने हुए हैं कि किस चीज़ के ऊपर इस मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है, जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी IPL के फ़ैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतज़ार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या इन सिचुएशन में IPL 2020 होता हुआ हमें नजर आएगा या फिर हो जाएगा कैंसल? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों 29 मार्च से शुरू होना था IPL 2020 को, जो कि 15 अप्रैल तक के लिए अब पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं दोस्तों, इंडिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, ऐसे में बहुत ही बड़ा डाउट बना हुआ है कि क्या IPL 2020 हमें कैंसल होता हुआ नजर आएगा या फिर कैसा IPL 2020 जो है हमें नजर आने वाला है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर BCCI ने 24 मार्च को यानी कि इस मंगलवार को एक मीटिंग जो है वो रखी है। आपको बता दें कि BCCI का जो ऑफिस है वो बंद है इस समय कोरोना वायरस की वजह से, इसीलिए ये मीटिंग जो है एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए से होने वाली है, जहां पर BCCI के ऑफिशियल्स इस मीटिंग में रहेंगे, साथ ही साथ सभी फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं इस मीटिंग में रहने वाले हैं। अब दोस्तों किस चीज़ के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी, ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो इस मीटिंग में होगा वो ये कि क्या IPL 2020 को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि अभी BCCI उस हालत में नहीं है कि IPL 2020 का जो डेट है वो अनाउंस करे या फिर ये खबर दे कि IPL 2020 इस तारीख से शुरू होगा। इसीलिए इस जो मीटिंग का सबसे मेन पॉइंट होगा वो ये होगा कि क्या IPL 2020 को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर अभी BCCI को और इंतज़ार जो है वो करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप कई जगह पर ये खबर पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पर BCCI जो है डेट अनाउंस कर सकती है 24 मार्च को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी इस मीटिंग में जो मेन डिस्कशन होगा वो दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर होगा कि कैंसिल कर देना चाहिए IPL 2020 को या फिर थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। और अगर दोस्तों मीटिंग में डिस्कशन ये निकलता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्लोज डोर में IPL 2020 होना चाहिए या फिर ओपन स्टेडियम में IPL 2020 होना चाहिए, इनके अलावा किस तरह का शेड्यूल होना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट होगा वो ये कि अभी यहाँ पर IPL 2020 को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए सिचुएशन के ठीक होने का। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही थी इस मीटिंग को लेकर, जो कि हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या यहाँ पर BCCI कैंसिल करेगी IPL 2020 को या फिर करेगी थोड़ा और इंतज़ार? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें।